स्नोबॉल स्नोबॉल नहीं हो रहा, वो ये गए। अरे यार बेचारे गए। हेलो एवरीवन, तो भाई स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग रिलीज स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आपका भाई जल्दी भी उठ गया है और आज वर्कआउट भी जल्दी खत्म करेंगे और उसके बाद फटाफट से कुछ काम निपटाने हैं। और वो काम क्या है वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो भाई चलो चलते हैं, पहले वर्कआउट खत्म करते हैं, फिर डाइट लेते हैं, फिर नहाना धोना, फिर काम। ओके तो चलो जिम चलते हैं, वर्कआउट करेंगे। ओके गाइस, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वंस को प्री वर्कआउट ले लेते हैं, ताकि अच्छी पंपिंग आए और अच्छा फोकस बने और अच्छी स्ट्रेंथ आए। ठीक है, ओके। आने वाले हैं 120 केजी, इससे पहले 100 किलो पर 10 रेपिटेशन लगाए थे। अभी मेरा लास्ट सेट है, मुश्किल से एक रेपिटेशन निकालना है, भले कुछ भी हो जाए। तो स्टार्ट कर। हो गया भाई, सेल्फ था ना? सेल्फ था बिल्कुल। ओके, एक हो गया, काफी दिनों बाद लगाया, यू मान के चलो 3 महीने हो गए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके गाइस, तो भाई वर्कआउट खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर पे, डाइट वाइट लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर हम अपने काम पे निकलेंगे। लेकिन देखो मेरे को छोटा सा इन्फेक्शन हो रहा था यहाँ पे, ये देखो। अभी डॉक्टर ने, आपने देखा ही होगा कि इंजेक्शन लगाए हैं गाल के अंदर, सोचो कितना दर्द होता होगा। ओके, लेकिन मर्दों को दर्द कम होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो अभी ये मेरे हिसाब से ठीक है। ओके गाइस, तो भाई डाइट वाइट खा ली है और पिछले एक घंटे से रेस्ट कर रहा हूँ, उठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वर्कआउट करके आया हूँ तो थकान रहती है रिकवरी के लिए। देखो एक घंटे से ही सोफे पे लेटा पड़ा हूँ और देखो मेरे पीछे क्या चीज़ें दिख रही है आपको, पेंटिंग देखो कितनी जोर जबरदस्त वाली है। जिस भी भाई ने बनाई है बहुत ही टैलेंटेड बंदा है और इसकी बहुत जल्दी स्टोरी मेंशन करूंगा मैं, क्योंकि जो मैंने इसका वीडियो शूट किया था मुझे मिल नहीं रहा कि वो वीडियो कहाँ पड़ा है। तो भाई फटाफट से चलते हैं फार्म हाउस के ऊपर, क्योंकि वहाँ से मुझे कॉल आ रहे हैं, काम भी देखना है फार्म हाउस का कि क्या हुआ है, क्या क्या नहीं क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, और अभी क्या काम चल रहा है उसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज मेंटेन करवाना है और अपडेट भी लेनी है। तो फटाफट जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गाइस, तो भाई निकल चुके हैं आप देख सकते हैं, लेकिन भाई सबसे खास बात क्या है, खास क्या बुरी बात क्या है इस रोड की, इस रोड पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे लगता है कि अभी एक आध रास्ते में तुम्हें मिल ही जाएगा कि भाई ये देखो यहाँ गाड़ी पड़ी हुई है, यहाँ गाड़ी पड़ी हुई है, मतलब मिलता ही मिलता है, मतलब 10 में से 5 बार तो मिल ही जाता है, कहाँ गाड़ी पलटी हुई है, कहाँ ठुके। उसमें तो कुछ नहीं, मैं तो इससे कहूंगा कि भाई ध्यान से चले थोड़ा, है ना, गाड़ी फास्ट जाएगी लेकिन ध्यान से। ये देखो भाई हैवी ड्राइवर। ओहो, ये क्या, क्या? स्नोबॉल हो रही है, स्नोबॉल नहीं हो रहा, वो ये गए। अरे यार बेचारे गए, नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन वहां थोड़ी उसकी मेहनत मेहनत लगेगी अभी। आराम से उस्ताद, क्या हो गया ये? तो भाई देखो मैं नहीं बोल रहा था, एक्सीडेंट तो चलते रहते हैं इस रोड पे, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, तो भाई दाल बाटी चूरमा खा लिया है और अब हम निकल चुके हैं गांव से फार्म हाउस पर। और अभी फिलहाल चौकीदार का फोन आया है कि कलेक्टर मैडम आए हुए हैं, शायद इंस्पेक्शन के लिए जायजा ले रहे होंगे कि यार प्रॉपर्टी किस तरह से बना रहे हैं, रोड पे वॉल वगैरह या फिर कन्वर्शन है या नहीं है जगह, इसी वजह से। तो हम भी जाते हैं, देखें पहुंचते हैं फटाफट से और हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तो बिल्कुल उनको संतोषजनक जवाब देंगे मैम को, तो जाते हैं। ओके गाइस, तो भाई हम पहुंच चुके हैं फार्म पे, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए। चलो अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये रहा, चलो ले लो। हाँ चलो चलने दो। और ये हम अंदर आ चुके हैं,
ये देखो भाई कितने अच्छे खतरनाक लग रहे हैं पौधे, जितने बड़े मतलब जितना पैसा काटो ना मतलब मजा आ जाता है। अरे कुत्ते मर जाएंगे आराम से आराम से। ओए 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 कीचड़ में हो गया। नहीं नहीं मेरे पास मत आ। नहीं चल उसी के पास जा। अरे नहीं मेरे पास तो आनो भी नहीं भाई। दूर 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 हट। झांपड़ पड़ी गई देख ले। इनके तो छांव हो गई यार, क्या खतरनाक लुक आ रहा है। एक बार साइड हटना सब। ये देखो गाइस इस पौधे का तो खतरनाक ही लुक आ रहा है। एक ये और एक ये जोरदार। बाकी आप देख सकते हो धीरे धीरे खत्म हो रहे। चलो भाई ओके गाइस। तो भाई पौधों को लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है, सुबह से चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इधर से वहां तक दिखाना एक बार। यहाँ मेरे पास आ, यहाँ से दिखा चलने दे। तो आगे तक मतलब पूरी दीवार तो कवर कर ली है और हर एक पौधे के बीच में हम ये लगा रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, ये जब बड़ा होगा ना तब इसकी पत्तियां फैलेगी और इसको अपन जिस शेप में देना चाहे उस शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। आओ इधर आओ फटाफट। ये पता नहीं किस चीज के पौधे हैं, मतलब ऐसे लुकआउट के लिए, और इनको भी लगाएंगे लेकिन अभी थोड़ी इनकी हालत खराब हो रही है क्योंकि इनको लगाया नहीं, एक महीना हो गया पड़े हुए। और ये जो पौधे पड़े हैं इसके पीछे, ये बड़े पौधे हैं, मतलब ये होके आगे जाके बड़े होंगे छांवदार वाले, ठीक है, जिसको छाया होगी मतलब अच्छी बात। और ये वाले जो पौधे हैं 10 पौधे लगेंगे यहाँ पे नारियल के, मतलब यहाँ पे बैठ के फिर हम नारियल पानी पी सकते हैं खुद का। मेरे को बस इनका समझ में नहीं आया कि ये कौन से पौधे हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करना था कि मुझे पता चले क्या नाम है इनका और ये किस यूज के लिए। बस मैंने ऐसे ही देखे अच्छे लग रहे थे कि हरियाली के लिए अच्छे रहेंगे तो मैं ये लेके आ गया। देखो लेकिन इनको कहीं साइड में लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत हरियाली दिखेगी। तो देखो अच्छा खासा चल रहा है, नई नई पत्तियां भी आ रही है और अगर आम लग जाएंगे ना भाई तो मैं भी खाऊंगा और आप में से जो भी आके खाना चाहे आप भी आ जाना खा लेना यहाँ पे आके, ओके। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो 5 से 10 पौधे, मतलब ये देखो छोटे छोटे में लेके आया हूँ। 10 कितने हैं, 10 से कितने मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ 5 से 10, 10 तो छोटे हैं और 5 बड़े बड़े पौधे हैं। देखो 1 2 उधर 3 4 पड़े हैं। और यहां से आके दिखा हरियाली के लिए, देखो जो गार्डन में लगेंगे। अभी तो बहुत बड़ा गार्डन डेवलप होने वाला है, अच्छा खासा गार्डन डेवलप करेंगे, बहुत लग्जरी वाला। तो फिर देखो ये पता नहीं किस प्रजाति का पौधा है, मतलब इसकी जो पत्तियां हैं वो पीले कलर की और हरे कलर की दोनों मिक्स में आती है। तो भाई 3-4 आदमी डेली लगे हुए पौधे लगाने के लिए और मैं लगा हुआ हूँ इन सब के पीछे कि भाई किस पौधे को कहाँ लगाना है, ओके। और वो बैठी हुई हमारी पूरी टीम जो कि धूप से बचने के लिए बैठे हुए, जूम करके दिखा। और बस मैं अकेला बंदा हूँ जो यहाँ पे सारा काम दिखा रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और हाँ क्योंकि ये पीली मिट्टी भी बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ इसको मंगवाने का मतलब ये कि ये जो हमारी ऑलरेडी जो खेत है इसमें उपजाऊ मिट्टी नहीं, ये पुरानी मिट्टी है, इसमें मतलब खराब हो चुकी है, जैसे बंजर जो भूमि होती है उस तरह। तो यहाँ अच्छे खासे पेड़ पौधे लग नहीं सकते, तो हमने पर्सनली इन सब पौधों के लिए ये मिट्टी मंगवाई है। अभी तो और मिट्टी आती रहेगी, लगते रहेंगे पौधे और उनमें जो देसी खाद होता है वो डाल रहे हैं और फिर वो लगेगी। ये देखो और हाँ नींबू के पौधे, मतलब धूप इतनी खतरनाक पड़ रही है ना, ये देखो इसके जो पत्ते हैं वो भी मुरझा गए, अभी जैसे ही रात पड़ेगी ये वापस हरे हो जाएंगे। इतना छोटा पौधा और नींबू भी लग गए, देखो मैं बताता हूँ कहाँ गया। ये देखो अभी तो छोटा है लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब मजा आएगा, यही उस शिकंजी बना बना के पियेंगे और आप लोगों को पिलाएंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा पानी का टैंक, काम खराब हो गया, टैंक में इतना पैसा लगाया सब कुछ किया लेकिन टैंक लीकेज हो गया, तो अभी हमारे किसी काम का नहीं आ रहा। और आओ अभी इतना बड़ा है ये, यहाँ से वहां तक पौधे लगने और ये पूरा एरिया जो हमारा है गार्डन डेवलप होना है। और सामने वो तार दिखाओ जहाँ अपनी बाउंड्री लास्ट एक और बननी है, मतलब जो ये फ्रंट की दीवार है ना उससे आगे तक इतनी बड़ी दीवार और बननी है आगे तक, पूरा 8 बीघे का फार्म हाउस बनेगा। तो बनाते हैं डेवलप करते हैं और फिलहाल घर जाते हैं क्योंकि धूप पड़ रही है और कुछ काम भी है सिटी के अंदर, तो वहां जाते हैं। और चलो मेरे से यहाँ रुका भी नहीं जा रहा,
क्योंकि धूप खतरनाक पड़ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, दिमाग गर्म हो गया यहाँ से और धूप बहुत है। तेरे को क्या हो गया भाई, ये कौन है, जैक्सन है क्या है? और हाँ जैक्सन का ले जैक्सन, चश्मा लगाएगा ले 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 चले। ओके गाइस, तो भैया फटाफट से हम निकलेंगे क्योंकि धूप पड़ रही है खतरनाक, और इनको बता देते हैं जो भी काम करना है। सारा काम समझ में आ गया आपको? काम समझ में आ गया? हाँ। कौन सा पौधा कहाँ लगाना है कल के लिए? कल के लिए तो वो नारियल के पेड़ बताए मैंने, चार चार ही है या तीन है? चार है ना, और उसके बाद। ओके गाइस, ये पहुंचने वाले हैं हम बिलवाड़ा। देखो ये रहा, कबूतर मरे गुलेल से बाज नहीं मरते। सही है, सही है। हंस क्यों रहा है? इधर देख, इधर देख। शर्मा कैसे रहा लड़कियों की तरह। ओके गाइस, तो भाई फार्म से आ चुके हैं और नाना धोना हो चुका है। देखो अब जाकर नहाने के बाद मैं अपने आप को फ्रेश फील कर रहा हूँ, बाकी वहां पसीना थकान पूछो मत। अभी यहाँ आते ही मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत पहले नहा लेते धो लेते हैं उसके बाद सोएंगे, लेकिन अब नहा लिया धो लिया, मेरे को भूख लग रही है, शेक पीऊंगा उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगा, या तो रेस्ट करूंगा या फिर कोई मूवी देखूंगा अच्छी सी, जिससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए। ठीक है, कभी मन की भी सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है हमेशा काम ही काम, क्योंकि काम मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, इतना कर चुका हूँ पूछो मत, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो फटाफट से कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ और मेरी डाइट ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं एक अच्छी सी मूवी।